पौनी में लंपी बारिश से 40 पशुओं की मौत हो चुकी है। अप्रैल से अब तक यह घटनाएं सामने लगातार आती रही है। हालांकि पशुपालन विभाग का दावा है कि विभाग के डॉक्टरों की टीम पशुओं के टीकाकरण की कवायद में जुटी है। इसके अलावा पशुपालकों को जागरूक और सावधानी बरतने के लिए शिविर लगाए गए हैं। साथ ही जनपद के लिए खर्च पाबो और क्षेत्र की काफ़ी संख्या में पशु लंपी बारिश से संक्रमित है। डॉक्टरों की टीम गाँव में जाकर पशुओं का टीकाकरण भी कर रही है। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। थलीसैंण में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। लगभग 1,70,000 टीकाकरण गोवंश का हम कर चुके हैं और वो निरंतर चल रहा है। इसके चिकित्सा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त औषधि और वैक्सीन उपलब्ध हैं और हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। लगभग 40 गोवंश पशु की जो हानि हुई है, मृत्यु हुई है, ये हमारे रिकॉर्ड पर इस समय है।